हेलो दोस्तों, एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स को कंटिन्यू करते हैं जी। अगला टॉपिक है वर्ड रैंकिंग। तो बस ऐसे कुछ टर्मिनोलॉजी आ जाएगी आपको और पूछा जाएगा ये किससे रिलेटेड है। इसको वर्ड बेंडिंग भी कहते हैं। इज द अटैचमेंट ऑफ ए स्मॉल इंडिविजुअली नंबर्ड मेटल, मीन मेटल और प्लास्टिक टैग, मेटल हो सकता है या प्लास्टिक का छोटा सा टैग हो सकता है, ठीक, जो कि किसी पक्षी को क्या करते हैं, उसकी टांग में या परों में बांध देते हैं ताकि पक्षी के ऊपर टैग लग जाए। टू द लेग और विंग ऑफ ए वाइल्ड बर्ड, जंगली पक्षी, उसके ऊपर टैग लगा देते हैं। टू अनेबल इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन, ताकि उसका आइडेंटिफिकेशन हो सके। तो नाम है बर्ड रिंगिंग, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ रिंग लगा, कुछ वो कर दी, बेल लगा दी जो रिंग रिंग कर रही हो। ये रिंग है, मीन हो सकता है कि गोल सी कोई रिंग हो जो उसके पाम में पहना दी गई हो। तो बर्ड रिंगिंग और बर्ड बैंडिंग क्या है, एक टैग लगाना है, चाहे मेटल का चाहे प्लास्टिक का, किसको, बर्ड्स को, ताकि उनकी आइडेंटिफिकेशन हो सके। द रिंगिंग ऑफ ओरिएंटल डार्टर्स, न्यूज में क्यों है ये, ओरिएंटल डार्टर्स एक पक्षी होते हैं, तो उसकी रिंगिंग हमने शुरू कर दी है, मीन उसको टैग लगाया है। हैज बीन टेकन अप इन द वर्ल्ड फेमस बर्डपुर वाइल्ड बर्ड सेंचुरी, ठीक। तो ये वाली प्रक्रिया, बर्ड रिंगिंग वाली प्रक्रिया, ओरिएंटल डार्टर पक्षियों के ऊपर शुरू की गई है। कहां, विश्व प्रसिद्ध बर्दपुर बर्ड सेंचुरी, बर्दपुर बर्ड सेंचुरी, जिसको ऑफिशियली क्या कहते हैं, क्यूलेडियो नेशनल पार्क भी कहते हैं, ठीक। तो क्यूलेडियो नेशनल पार्क का दूसरा नाम क्या है, बर्दपुर बर्ड सेंचुरी, आफ्टर ए गैप ऑफ 22 years, ठीक। तो 22 साल बाद ऐसा कुछ किया गया है। तो देखो जहां पर कितने क्वेश्चन बन गए ये दो तीन लाइनों में है, कि क्यूलेडियो नेशनल पार्क का पहला नाम क्या था, बर्दपुर बर्ड सेंचुरी, ऑफिशियली कहते हैं क्यूलेडियो नेशनल पार्क, कहां है जी, राजस्थान में। ओरिएंटल डार्टर पक्षी के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, बर्ड रिंगिंग क्या होती है इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। अच्छा जी, अब ओरिएंटल डार्टर के बारे में पढ़ ले। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा कि ओरिएंटल डार्टर क्या है, मेढक है, चूहा है, डॉग है, बिल्ली है, पक्षी है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है। इट इज अ वाटर बर्ड, ठीक, वाटर बर्ड है जी, मीन जैसे बत्तख होगी वैसे। हैज ए लॉन्ग एंड स्लेंडर नेक, उसकी लंबी और ऐसे मुड़ी हुई गर्दन होती है। ये ध्यान से देखिए, इसकी गर्दन देखो कैसी है, ऐसी है पूरी, लंबी भी है और ऐसे स्लेंडर मुड़ी हुई। विच लुक्स लाइक ए स्नेक व्हेन इट स्विम्स, तो जब ये पानी में तैरता है पक्षी, तो ऊपर से हम देखेंगे तो हमको लगेगा जैसे कोई क्या है, सांप हो, पर है ये क्या, पक्षी। एंड डाइव्स इन टू वाटर टू कैच ए फिश, ठीक है ना, ऐसे पानी में डाइव लगाता है मछली वगैरह पकड़ने के लिए। तो आपने ये देखो फोटो देख लो, ओरिएंटल डार्टर ऐसा है। बाई चांस मैं कोई आपको फोटो ना दिखा पाऊं तो आपने खुद गूगल पर सर्च करके देख लेनी है, ठीक है जी। यूपीएससी की तैयारी ऐसी नहीं है कि आपको मैंने एक किताब दे दी किसी ने तो आपने पढ़ लिया तो आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। आप जब कुछ चीज पढ़ते हो उसमें कुछ आपको इंटरेस्टिंग लगा तो उसकी फोटो देखो, उसके बारे में और थोड़ा बहुत ज्ञान लो गूगल से, यूट्यूब से। अच्छा जी, अगला टॉपिक है जी, ए स्टडी हैज फाउंड दैट अर्थ इज गोइंग थ्रू सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन। बी, धरती पर क्या है ना, देखो पहले मास एक्सटिंक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं, मीन मास लेवल पर, बड़े लेवल पर एकदम एक्सटिंक्ट हो जाना, खत्म हो जाना। ये ऐसा इवेंट होता है व्हेन अबाउट 75% ऑफ द वर्ल्ड स्पीसीज, ना वर्ल्ड स्पीसीज, संसार की 75% के करीब जो स्पीसीज है, जो जीव जंतु हैं, बीइंग लॉस्ट इन ए शॉर्ट अमाउंट ऑफ जियोलॉजिकल टाइम। मीन अगर देखो हम, हमारे लिए शॉर्ट टाइम तो हो सकता है एक दो दिन, पर अगर हम ओवरऑल धरती की लाइफ के हिसाब से देखें तो वो काफी मिलियंस ईयर को शॉर्ट टाइम मानते हैं, तो तकरीबन 2.8 मिलियन ईयर्स से कम। मीन आप इतना समय लीजिए कि कम समय में 75%, मीन काफी ज्यादा जो स्पीसीज है वो खत्म हो जाए। सिंपली ऐसे डाटे वगैरह आपको नहीं आएंगे, 2.8 मिलियन ईयर्स वगैरह से नहीं आएंगे, आप ये समझ लो कि हाँ भी काफी लार्ज अमाउंट में स्पीसीज है वो खत्म हो जाए, लॉस्ट हो जाए, ठीक। तो स्टडी ये कहती है कि अब अर्थ में सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन है जो वो हो रहा है, इसका मतलब पहले पांच हो चुके हैं, ठीक। और ये छेमा क्यों हो रहा है, इंसान के कारण, इंसान के पंगों के कारण। देयर हैव बीन फाइव मास एक्सटिंक्शन सो फार,
पांच पहले हो चुके हैं। ऑल दीज वर कॉज्ड बाय नेचुरल फिनोमिना। पहले पांच किसके कारण हुए थे? कुदरती रूप से, जैसे मान लो कोई ऊपर से उल्कापिंड गिर गया, मेटेराइट गिर गया, उसके कारण कितने जीव मर गए, या कुछ और कोई आपदा आ गई, कितने बड़े वोल्केनो फट गए, या कैसे ऐसा कुछ हो गया होगा, ठीक। पर दिस टाइम इट इज बीइंग कॉज्ड बाय ह्यूमंस, ये इंसान के कारण हो रहा है। इंसान ने ऐसे पंगे लिए हैं कुदरत के साथ इतने बड़े बड़े स्केल पर कि इंसान के कारण मास एक्सटिंक्शन हो रहा है, एंड हेंस रेफर टू एज एंथ्रोपोसिन एक्सटिंक्शन। तो इसलिए इसको एंथ्रोपोसिन एक्सटिंक्शन भी कहते हैं। एंथ्रो का मतलब इंसान, ठीक है ना, इंसान के द्वारा किया गया, ठीक। तो अर्लियर एक्सटिंक्शन कौन कौन से थे? उनका नाम था ऑर्डोविशियन, डेवोनियन, परमियन, ट्रैसिक एंड केटी। अब आप इसके ये पांचों के नाम जितने ज्यादा रख सकते हो रख लो, एक दो तो कम से कम रखो, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि ऑर्डोविशियन, डेवोनियन, परमियन, ट्रायसिक, केटी, ये क्या है? तो ये मास एक्सटेंशन है। तो ये डायनासोर की वैरायटियां नहीं है, ये कोई मिनरल्स की वैरायटियां नहीं है, तो आपको ऑप्शन दिए होंगे भी, हाँ भी ये चीजें क्या है, तो आपने फट से कैच कर लेना है ये मास एक्सटेंशन है, ठीक। इनको थोड़ा रट्टा लगा लो तो अच्छी बात है। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा मास एक्सटेंशन नहीं है, तो आपको दे सकते हैं ऑर्डोविशियन, डेवोनियन, ट्रायसिक, ठीक है, तो ऐसे कुछ और दे दिया है ना, कोई इधर उधर का नाम, तो आपको पता होने चाहिए ये नाम किससे रिलेटेड है। यूपीएससी में ऐसे टफ क्वेश्चन आते हैं, वो पूछ लेते हैं जी, ठीक, एक दो चाहे आए पर आ जाते हैं टफ क्वेश्चन ऐसे। आगे है जी बायो एनर्जी प्लांट, ऐसे प्लांट जहां पर जैविक एनर्जी पैदा की जाती है। दीज आर स्पेसिफिक प्लांट्स डेट आर ग्रोन एंड मेंटेन एट लोअर कॉस्ट फॉर बायोफ्यूल प्रोडक्शन, ठीक है ना, बायोफ्यूल की प्रोडक्शन की जाती है जहां पर कम खर्चे में, ठीक है जी। आगे है जी एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, एनिमल के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए एक संस्था बनाई गई है, बोर्ड बनाया गया है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब कानून के अंतर्गत बनाई गई है। फॉर्म्ड अंडर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960, जो हम कहते हैं कि क्रुएल्टी नहीं करनी, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960, ये काफी न्यूज में था एक्ट को, इसलिए ये थोड़ा पॉइंट यहां आ गया है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड किस एक्ट के अंदर बना है, क्या जो स्टैट्यूटरी बॉडी है? हाँ है, अगर स्टैट्यूटरी बॉडी है तो किसी कानून के अंदर बनी है, तो उस कानून का क्या नाम है? उस कानून का नाम है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट। एनिमल ये कीवर्ड यहां दोनों से आपने पिक कर लेने हैं। और दूसरी बात मन में रखनी है कि अगर आपके पास और ऑप्शन हुए, दूसरी ऑप्शन जैसे क्या ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बना है, क्या ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर बना है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए कीवर्ड है एनिमल की वेलफेयर के लिए बोर्ड बनाया है, तो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स क्या है? एनिमल की वेलफेयर ही हुई, तो जहां पर एनिमल्स और एनिमल कीवर्ड है तो इसको आपने उठा लेना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं यूपीएससी में, जब आप पढ़ोगे आपको सब आसान ही लगेगा, सब आसान है, ठीक है, पर वहां पे एग्जाम में जाकर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे। आगे है जी करंटली एट प्रेजेंट देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ हींग, हींग एसोफोटिडा क्या है? हींग। तो ये याद रखना आपने कि जो प्रोडक्शन की बात करें, खेती की बात करें, तो हम इस समय हींग की खेती नहीं करते, ठीक है, नो प्रोडक्शन ऑफ हींग इन इंडिया। एफर्ट्स हो रहे हैं, कुछ कोशिशें हो रही हैं, एफर्ट्स आर बीइंग डन टू इंट्रोड्यूस हींग प्रोडक्शन इन कहां, लाहौल एंड स्पीति रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो हिमाचल का काफी ठंडा एरिया है ना ऊपर वाला, लेह लद्दाख के पास वाला, लाहौल एंड स्पीति रीजन। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि लाहौल एंड स्पीति रीजन कहां है, ये हिमाचल प्रदेश में है, तो इस एरिया में हींग की खेती के प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक। तो जरा सोच के देखो, हींग हम इधर से मंगवाते हैं, अफगानिस्तान साइड से, अच्छा जी। आगे है इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरन, केसर का हम दूसरे नंबर पर आते हैं प्रोडक्शन के मामले में, आफ्टर ईरान, पहले नंबर पर है ईरान, फिर हमारी इंडिया का नाम आता है केसर की प्रोडक्शन में। एफर्ट्स आर बीइंग डन टू इंट्रोड्यूस दिस क्रॉप इन नॉर्थ ईस्ट, पहले देखो कश्मीर में तो काफी होता है, पर अब कोशिश है कि हम नॉर्थ ईस्ट एरिया में भी इसकी खेती शुरू करें। लास्ट ईयर कश्मीर सैफरन गॉट GI टैग स्टेटस, पिछले साल कश्मीर के सैफरन को जो
जीआई टैग का स्टेटस मिल गया। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि वहां पर केयरबास फॉर्म होते हैं, तो वो स्पेशल है, काफी एरिया है जहां पर केसर की खेती होती है। ठीक, जीआई टैग मिल गया है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन एक एक लाइन में क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। आ गया जी, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट आफ्टर चाइना। चाइना के बाद दूसरे नंबर पर आता है इंडिया इसमें वीट प्रोडक्शन के मामले में। और टॉप वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है? देखो काफी समय से पंजाब रही है, ठीक, फिर एमपी भी रही है, पर अगर हम इस साल की बात करें तो यूपी नंबर वन है टोटल प्रोडक्शन के मामले में, पंजाब दूसरे नंबर पर आ गया और एमपी तीसरे पर, राजस्थान चौथे पर, फिर हरियाणा चौथे पर, फिर राजस्थान। पर अगर हम बात करें कि पर हेक्टेयर की, पर यूनिट एरिया की, तो फिर पंजाब ही टॉप में है। टॉप वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट में यूपी है आगे, काफी समय पंजाब रहा, फिर एमपी हो गया था, अब फिर यूपी है आगे, यूपी का एरिया ज्यादा है। इंडिया हैज अमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गर्किन्स इन द वर्ल्ड। गर्किन्स ये खीरे की वैरायटी होती है, देखा होगा आपने। तो डाटा ये कहता है कि इस बार इंडिया ने सबसे अधिक वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट प्रोडक्शन की है, किसकी? गर्किन्स की। गर्किन्स क्या है? ये देखो खीरे की वैरायटी है ये, आल्सो नोन एज पिकलिंग कोकुम्बर। कोकुम्बर मतलब खीरा, तो उसी का एक वैरायटी है पिकलिंग। क्या है? पिकलिंग कोकुम्बर। ठीक है, फोटो आपने देख ली, ऐसे होते हैं गर्किन्स। गर्किन कल्टीवेशन स्टार्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग अर्ली 1990s। तो कोई बहुत अधिक पुरानी फसल नहीं है इंडिया की, 90 के दशक में ही इसको, इसकी कल्टीवेशन शुरू की गई थी। आगे है जी, इंडियाज रेड लाइन कंपेन, ये हम पढ़ चुके हैं। जरा सोचो क्या है रेड लाइन? एंटीबायोटिक से रिलेटेड थी, कि जब हम दवाइयां खरीदते हैं तो जिस दवाई के पत्ते पर रेड लाइन है, इसका मतलब वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर मेडिकल स्टोर वाला आपको नहीं दे सकता। इट डिमांड्स दैट एंटीबायोटिक्स, ऐसी दवाइयां, ऐसी एंटीबायोटिक्स विद रेड लाइन, जिनके ऊपर रेड लाइन लगी है, शुड नॉट बी यूज्ड विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर इनको हम नहीं यूज कर सकते, इनको यूज नहीं करना चाहिए। अगला है जी ग्लास। ग्लास किससे रिलेटेड है? ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सर्विलेंस। ग्लोबल लेवल पर एंटी माइक्रोबियल, माइक्रोबियल हमने पढ़ा था कैसे एंटीबायोटिक्स देते हैं जब, तो उसके प्रति रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, माइक्रोब्स के प्रति रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इस सब का क्या करना है? सर्विलेंस करना है। हाँ भी कितनी दवाइयां दी जा रही हैं एंटीबायोटिक्स वाली, और उससे कितना क्या है आपका रेजिस्टेंस पैदा हो रही है, इस सब का सर्विलेंस करना है। ये सिस्टम किसने लॉन्च किया है? WHO ने। तो ग्लास किससे रिलेटेड है? ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सर्विलेंस। ठीक है, ये भी उसी से है जो हमारी एंटी माइक्रोब के प्रति रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, उसको सर्विलेंस करनी। आगे है जी अवेयर टूल। ऐसा आ जाएगा क्वेश्चन आपको, अवेयर टूल क्या है? ये है WHO के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होता है? इट इज एम्ड एट गाइडिंग पॉलिसी मेकर्स एंड हेल्थ वर्कर्स। जो हमारे पॉलिसी का निर्माण करने वाले हैं उनको और हेल्थ वर्कर्स को गाइड करने के लिए बनाया गया है टूल। टू यूज एंटीबायोटिक्स सेफली एंड मोर इफेक्टिवली, ताकि एंटीबायोटिक्स को हम ढंग से यूज कर सकें इफेक्टिवली एंड सेफली। हमने पढ़ा था एंटीबायोटिक्स के केस में कि अंधाधुंध इसका यूज हो रहा है, तो जितनी डिमांड है उस हिसाब से ही एंटीबायोटिक्स का यूज हो, तो ऐसा कुछ टूल बनाया गया है। टूल में आप समझ सकते हो क्या होगा, कुछ कुछ ऑनलाइन डाटा होगा ना, आपकी कुछ मेडिकल हिस्ट्री हो सकती है भी, हाँ पहले आपने कितना एंटीबायोटिक्स ली है या सिस्टम में कितना एंटीबायोटिक्स जा रहा है, तो उसका कुछ डाटा, उसी कुछ ये सिस्टम होगा, ताकि एंटीबायोटिक्स का यूज सेफली और मोर इफेक्टिवली हो। ऐसे ही अंधाधुंध बस मेडिकल स्टोर से लिया और एंटीबायोटिक्स खा ली, ऐसा ना हो। आगे है जी बैक्टीरियोफेज, आल्सो कॉल्ड फेजेस। बैक्टीरियोफेजेस, फेजेस भी कहते हैं, आर वायरसेस। ये इस प्रकार के वायरस होते हैं ये जो क्या करते हैं, फेजेस मतलब खा लेते हैं बैक्टीरिया को, मतलब बैक्टीरिया को टारगेट करते हैं, दैट स्पेसिफिकली टारगेट बैक्टीरिया एंड आर आल्सो एक्सट्रीमली स्ट्रेन स्पेसिफिक। स्ट्रेन स्पेसिफिक का मतलब एक पर्टिकुलर प्रकार के बैक्टीरिया को, कुछ पर्टिकुलर प्रकार के बैक्टीरिया को ये टारगेट करते हैं। फेज का मतलब आप हिंदी में कहो तो हाँ खा लिया, वायरस ने बैक्टीरिया को खा लिया, जहां ऐसा कह दें कि वायरस ने बैक्टीरिया को टारगेट करके खत्म किया, वायरस ने
बैक्टीरिया के ऊपर अटैक किया। तो बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं? ऐसे वायरस, याद रहे बैक्टीरियोफेजेस में नाम जहां बैक्टीरिया है, पर ये क्या है? ऐसे वायरस है। क्वेश्चन आ जाएगा बैक्टीरियोफेज क्या है, कोई बैक्टीरिया है, क्या है कोई पैरासाइट है, क्या है कोई वायरस है? तो आपने कहना ये वायरस है जो कि बैक्टीरिया को टारगेट करता है। ठीक है, आगे है जी गेटवे टू हेल, मतलब नरक का दरवाजा, ये क्या है? ऑल्सो नोन एज द दरवाजा क्रेटर, दरवाजा क्रेटर भी कहते हैं, क्रेटर मतलब जो दसा हुआ एरिया होता है। ये कहां है? तुर्कमेन स्थान में, ये देखो तुर्क, यहाँ फोटो नहीं डाल पाया मैं, आपने देख लेनी है गूगल में। तो ये ना काफी वो है, नीचे से ना ऐसे वहां पर आग सी लगी हुई है, लावा सा है, मतलब गैस का एरिया है जहां पर आग लगी हुई है। ठीक है ना, इट इज अ नेचुरल गैस फील्ड कोलैप्स्ड इनटू अ कैवर्न नियर दरवाजा इन तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान में शहर है दरवाजा, तो वहां पर नेचुरल गैस का फील्ड है, इस एरिया में नेचुरल गैस पाई जाती है, जो कि वो वाला एरिया क्या है, कलेप्स हो गया है, मीन नीचे वो गिर गया है, पूरा एरिया दस गया है, तो क्या बन गई है, एक कैवर्न सी बन गई है। इट इज अ रेजिंग फ्लेम, तो वहां पर क्या है, आग लग चुकी है, बर्निंग फॉर फाइव डिकेड्स, फाइव डिकेड्स का मतलब पिछले 50 सालों से वहां पर आग लगी हुई है। इन ए लार्ज नेचुरल गैस क्रिएटर, तो पूरे वो वहां पर नेचुरल गैस है, आपको पता है नेचुरल गैस ज्वलनशील होती है, उसको आग लग जाती है, तो उस पूरे एरिया में आग लगी हुई है, तो धीरे 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 वहां पर आग जल रही है पिछले 50 सालों से। इसकी फोटो आपने गूगल पर देख लेनी है। तो क्वेश्चन आ जाएगा दरवाजा क्रिएटर क्या है, गेटवे टू हेल क्या है? तो ऐसा नहीं है कि ये नरक का कोई दरवाजा है, तो बेसिकली ये दरवाजा क्रिएटर है जहां पर नेचुरल गैस का फील्ड है जिसको आग लगी हुई है पिछले 50 सालों से। इसकी फोटो जरूर देखना आप। आगे है जी इंडिया फर्स्ट सिलेंडर लॉरिस सेंचुरी। देखो तो होता क्या है ना कि कई प्रकार के जीव जंतु हैं, सबको हमने जान नहीं रखना, पर कुछ खास प्रकार के जीव जंतु जिनकी हमको ज्यादा देन है, जब किसी ना किसी प्रकार से वो सिग्निफिकेंट है और उसके नाम पर कोई सेंचुरी बन गई है, नेशनल पार्क बन गया है, कुछ ऐसा कुछ है अगर, तो वो वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया का पहला सिलेंडर लॉरिस, सिलेंडर लॉरिस उस जीव का नाम है, तो उसके नाम पर सेंचुरी बन गई है, इज नोटिफाइड बाय कहां पर, तमिलनाडु गवर्नमेंट। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो इंडिया की पहली सिलेंडर लॉरिस सेंचुरी कहां है, तमिलनाडु में। ठीक है जी, कुडुवूर सिलेंडर लॉरिस सेंचुरी नाम है इसका, ये देखो ऐसा है, दिखने में ऐसा होता है, ये स्मॉल नॉक्टर्नल मैमल होता है, मैमल मतलब इनकी फीमेल में दूध की ग्रंथियां होती हैं, ये अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, ठीक, और रात को एक्टिव होता है, इसके लिए इसका नाम है, इसको कहते हैं नॉक्टर्नल, नॉक्टर्नल का मतलब रात को एक्टिव होता है। ठीक है जी, ये बात होगी, साइज में छोटा होता है ये। ठीक है जी, आर्बोरियल, ये आर्बोरियल है, मतलब आर्बोरियल का मतलब स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ ऑन ट्रीज, ज्यादातर अपनी लाइफ ट्री में स्पेंड करते हैं, तो ऐसा भी आ सकता है कि जो जीव ज्यादातर अपनी लाइफ ट्री में स्पेंड करते हैं उसको क्या कहते हैं, आर्बोरियल। दे आर बायोलॉजिकली, है ना, दे आर बायोलॉजिकल प्रीडेटर्स ऑफ पेस्ट, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, जो हमारे अनवांटेड पेस्ट होते हैं ना, हमारी फसलों को तबाह कर देते हैं कीड़े मकोड़े, तो ये उनको खाता है, उनको उनका शिकार करता है। ठीक है ना, इसका मतलब हमको खेतों में दवाइयां छिड़कने की जरूरत नहीं है, अगर सिलेंडर लॉरिस है वहां पर तो वो अपने आप पेस्ट वगैरह को खाता रहेगा, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, हेल्पफुल हो गया। सो हेल्पफुल टू फार्मर्स, फार्मर्स के लिए काफी हेल्पफुल है, तो ये इनके सिग्निफिकेंस हो गए, सिग्निफिकेंस हो गए, तो इसका मतलब ये वाला जीव इंपॉर्टेंट हो गया। दे हैव वाइड रेंज ऑफ इकोलॉजिकल रोल्स इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, इसके अलावा भी जो आपका इकोसिस्टम में है इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है, सिग्निफिकेंस है इसका। IUCN स्टेटस क्या है, एंडेंजर्ड है। ठीक है, मतलब कम पाए जा रहे हैं पर इतने भी कम नहीं है, तो आपने इसको पढ़ लेना है, इनमें से क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे है जी बद्री काओ, बद्री काओ ब्रीड ऑफ उत्तराखंड, इंडिजिनस ब्रीड ऑफ काओ है ये, मतलब भारत की अपनी काओ की गाय की ब्रीड है, हमने कोई आर्ट कोई हाइब्रिडाइजेशन से इसको नहीं पैदा किया, किसी और साइंटिफिक टेक्निक से नहीं पैदा किया, ये कुदरती रूप से हमारी इंडिजिनस ब्रीड है गाय की। ग्रेजियस ऑन हिमालयन हर्ब्स, तो जो हिमालय में पाई जाने वाली जो जड़ी बूटियां हैं उसको खाती है ये, अब समझ लो जो हमारी जड़ी बूटियां कितनी वो होती है, इनमें मेडिसिन प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इसका मतलब ये गाय भी काफी इंपॉर्टेंट हुई, इसके दूध में भी काफी वैल्यू होगी। अच्छा जी,
उत्तराखंड गवर्नमेंट इज प्लानिंग फॉर इट्स जेनेटिक एनहांसमेंट। जो उत्तराखंड की सरकार है वो प्लान कर रही है कि इस गाय की जेनेटिक एनहांसमेंट की जाए यूजिंग सेक्स सॉर्टर सीमेन टेक्नोलॉजी। सेक्स सॉर्टर सीमेन टेक्नोलॉजी का मतलब, जैसे मान लो कि जो अच्छे इनके जो जो है ना जो आपके होते हैं मेल काउ, जिसे हम कह सकते हैं अपना इनके सांड जो होते हैं, जो मेल होते हैं, तो उनके सीमन को बचाकर, इनके गाय के जो अच्छे वाले गाय हैं उनके सीमन को बचाकर उससे उसको यूज करके आउटस्प्रिंग मतलब बच्चे पैदा किए जाए। टू ऑप्ट फॉर द एम्प्लॉयर ट्रांसफर मेथड टू प्रोड्यूस मोर कैटल ऑफ ए हाई जेनेटिक स्टॉक। तो जो अच्छी जीन वाली पशु है उनकी प्रोडक्शन करनी है टेक्नोलॉजी का यूज करके, ठीक। जैसे आपने लैब में एक एम्ब्रॉयड डेवलप किया जीन्स लेकर गाय से सांडे से अच्छी अच्छी जेनेटिक वैरायटी वाले, तो उनको फिर क्या किया, जो गाय की जोनी में गाय के जो गर्भाशय में डाल दिया ताकि अच्छी हाई जेनेटिक वैरायटी वाले कैटल पैदा हो सके। तो जो साइंटिफिक मेथड है इसके डीप में नहीं हमने जाना, मेन याद रखना है कि यहाँ भी जो बदरी काओ है कहाँ की है, उत्तराखंड की, और वहां की गवर्नमेंट इनके लिए काफी काम कर रही है ताकि इनकी इनकी जो जेनेटिक अपग्रेडेशन हो जाए। अपार्ट फ्रॉम द कॉस्टली बदरी घी, इससे जो घी बनता है वो काफी कॉस्टली होता है, द गवर्नमेंट इज प्लानिंग फॉर इंक्रीजिंग मार्केटिंग ऑफ गौमूत्र अर्क। गौमूत्र अर्क क्या है, जो गौ का मूत्र है, गौ जुरीन है, उसको और डिस्टिल्ड करना, उसको और उसकी क्या कहते हैं कि अर्क का मतलब भी यही होता है कि उसको फिल्टर वगैरह करके, उसको और उसका शुद्धिकरण वगैरह करके, उसको कंसंट्रेट सा करके, ठीक, मीन कौ के जुरीन को, कौ के ढंग को, गोबर को, और पंचगाव्य। पंचगाव्य का मतलब पांच प्रोडक्ट ऑफ द कौ, इसमें मिल्क भी आ जाता है, कर्ड दही आ जाता है, घी आ जाता है, गोबर आ जाता है, और जुरीन। तो ऐसे प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी करनी है, इसको भी करना है, ठीक। तो गवर्नमेंट इसके ऊपर भी काफी फोकस कर रही है। तो बदरी काओ कहाँ की है, उत्तराखंड की। तो इसको आपने पढ़ लेना है। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया जी, नमस्कार।